पूर्व जन्म में किए हुए भावनाओं के फल इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं और इस जन्म के किए हुए भावनाओं के फल अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो ये भावना यानी विचार या चिंतन या और कुछ है? भावना यानी मैं श्याम हूँ ये अज्ञानता है। श्याम तो देह का नाम दिया गया, उसी को मैं हूँ मानते हैं। वो बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ बैठ गई है, उसी से बीज गिरते हैं। भावना यानी आरोपित भाव, मैं श्याम हूँ, इनका पति हूँ, इनका पुत्र हूँ, इनका जवाई हूँ, इनका बेटा हूँ। और किसी ने कुछ कहा, श्याम आदमी अच्छा नहीं, क्या समझता है तू मुझे, अहंकार खड़ा हो जाता है, क्रोध मान माया खड़े हो जाते हैं, और वही बीज का कारण है। बाकी मुझे भावना होती है मैं सबको एक दिन खाना खिलाऊँ, सबको प्रसाद मेरे तरफ से, वो भावना डिस्चार्ज है। और मैं करता हूँ, मैं श्याम हूँ, वो अज्ञान मान्यता वो बीज है। क्रिया, किसी ने दान दिया तो दान वो तो कर्म फल है, और मैंने कितना अच्छा किया, मैं ही श्याम हूँ, मैंने किया, वो मान्यता से बीज गिरते हैं। तो ये पिछले जन्म में किया था भाव, तो आज दान का कार्य हो रहा है। और इस टाइम पे हुआ कि मेरे पास पैसा ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा देता था, और नहीं तो बोला ये फोकट का दे दिया है, मेरे ससुर जी ने दबाव डाला इसके लिए देना पड़ा, नहीं तो एक पैसा भी नहीं देता था। तो भाव वो अंदर है, क्रिया जो दिख रही वो कर्म फल है, और भाव कर्म बीज है। और ज्ञान लेने के बाद मैं श्याम नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, बाद में श्याम को जो भी होता है वो डिस्चार्ज कर्म है। और अज्ञान में रह के डिस्चार्ज कर्म पूरा किया तो दूसरे जन्म का कर्म बंधन भी नहीं होगा और कर्म फल संभव से पूरे होते जाएंगे।